जय श्री राम दोस्तों, आज 18 जुलाई वीरवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और हमारी 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग कंप्लीट हो गई है और जो बाकी एक्सरसाइज वो आपके साथ करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। और मित्रों, ये सुबह पार्क का व्यू, अभी टाइम है 5:10 और हमारी जो जॉगिंग है कम्प्लीट हो गई है। पार्क में जो है हमारी एंट्री हुई थी सुबह 4:40 पर, और आज घोट ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हो सकता है शायद बारिश आए, आज हवा बिल्कुल नहीं है। और पार्क में इक्का दुक्का ही नज़र आ रहा है, अभी धीरे धीरे लोग आगे आएंगे। और मित्रों, ये सिंथेटिक ट्रैक दौड़ने के लिए, लेकिन अभी को दौड़ने वाला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि टाइम मैंने बताया अभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत कम आदमी आते हैं, तो अभी खाली पड़ा हुआ है। और ये घंटे एक में जो है भर जाएगा पूरा। और मित्रों, ये लाल ट्रैक, ये भी अभी खाली है, आपको सुना सुना नज़र आ रहा होगा। और ये आप देखोगे तो 1.5 घंटे में यहाँ लोगों का झुंड हो जाएगा पूरा। कि आज तीनों हैं, और जिस दिन तीनों होते हैं हमारा भी दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हम तीनों के लिए लाते हैं। और कई बार मोटू राम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, ये देखो दूसरे क्यों घुसपैठ करेगा, इधर ही रख दो उठा के इसका। हाँ, सुदामा जी दूर पड़ गए, देख 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 देख, लालू भाई, लालू का उठा के रख दो सर इसको, ये तो सारा ही गड़बड़ कर देगा आज। एक तो ये बेचारा डरेगा, इतने वो अपना काम कर दे, हाँ छोड़ता ही ना। चल भाई मोटू राम, अभी गिरा मत, बहुत। और हमारी 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग के बाद ये कार्डियो की पहली एक्सरसाइज है, रस्सी कूद। ये 300-300 के 3 सेट लेने हैं, तो मास्टर जी ने शुरुआत की है, इसके बाद 300-300 के 3 सेट मैं लूँगा। और ये पार्क का व्यू, दूसरे वाले पार्क का व्यू है, आप हरियाली निहारिए सुबह सुबह, बहुत ही अच्छा। प्रिय मित्रों, 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग के बाद कार्डियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये हमारी रस्सी कूद। और जैसा कि आप जानते हो, हमारी लेग मजबूत होती हैं, काफ मजबूत होते हैं, आंतरिक अंगों का व्यायाम होता है, आर्म्स हमारी मजबूत होती हैं, पेट और पीठ का फैट कम होता है। 1 मिनट यदि आप रस्सी कूदते हो तो लगभग आपकी 80-100 कैलोरी ऊर्जा वर्न होती है। यदि आप दौड़ नहीं सकते हैं तो लगभग 5 मिनट के आसपास रस्सी कूदेंगे तो वही दौड़ का काम करेगी। बहुत बढ़िया सर। और ये जोड़ी है देखो, राम बलराम की, दोनों जो है प्रदीप दलाल जी और मास्टर जी, कैसे हो दोस्त? प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये है जंपिंग जैक्स, 6 जो हमारी एक्सरसाइज है उनमें से एक, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने होते हैं। आप चाहें तो एक ही एक्सरसाइज चुन लें और 100-100 रिपीटेशन के 3 सेट ले लें, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये दूसरी एक्सरसाइज है हाई नीज, इसके भी हम 3 सेट लेते हैं 30-30 रिपीटेशन के, और इससे जो हमारा फैट है वो तो कम होता ही है, वेट भी कम होता है, और कार्डियो का मुख्य हिस्सा है ही ये। ये तीसरी एक्सरसाइज है क्लैप अंडर लेग्स, इसके भी 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं, तो आप भी इन एक्सरसाइज को अपने डेली वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। और ये सर्किट टर्न सर भी जो है 3 एक्सरसाइज करेंगे ये कार्डियो की, और ये पहली एक्सरसाइज है, 30-30 के 3 सेट लेंगे,
और मोटू साथ घूम रहा है, और ये सेकंड एक्सरसाइज। बस 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 ठीक है, बस आराम से बैठ जाओ, चलो बस 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 बेटा बस 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 ठीक है, बस 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 शरारत नहीं। और ये थर्ड एक्सरसाइज। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन हमारा समाप्त हो चुका है। ये हमारी मसल ट्रेनिंग, और मसल ट्रेनिंग की जो हम चार महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करते हैं उनमें यह है सपाटे। 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। इसमें देखिए आपका जो स्टेमिना है बहुत ही शानदार और ताकतवर हो जाता है। कोई भी आप काम करेंगे फिर थकेंगे नहीं, यदि स्टेमिना आपका बढ़िया है तो कोई भी काम करेंगे इस स्फूर्ति आपकी बरकरार रहेगी। तो 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये देखिए, और ये मसल ट्रेनिंग की सेकंड एक्सरसाइज डिप्स। सर जो है 30-30 के 3 सेट लेंगे। और मित्रों, ये सूर्य भगवान उदय हो गए हैं, 5:58 हुए हैं, और जय हो सूर्य देवता की, और सबका दिन अच्छा जाए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी हमारी सूरज भगवान से प्रार्थना है। जय हो। और इस सर की फोर्थ एक्सरसाइज स्क्वेट, ये भी जो सेम रिपीट करनी है, 30-30 3 सेट लेंगे सर। और मित्रों देखो, ग्रास काट दी है, तो ग्रास कटने के बाद में बहुत ही बढ़िया व्यू निखर के आए, देखो जैसे किसी के बाल बढ़े हुए हैं। और आप बाल कटवा लेते हो तो बहुत ही अच्छी शेप आ जाती है, सेम वैसी ही ग्रास कटने के बाद में पार्क जो निखर के आया है सामने योगा वाले। और आप हरियाली देखिए, बहुत ही सुंदर। और ये शशि मैम बगैर किसी नागा के कंटिन्यू आती हैं और हमारी इंस्पिरेशन है, इनको देख के हम भी लगे रहते हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छे। और ये रोज़ की तरह जुम्बा। और ये बेली फैट के लिए मास्टर रणजीत जी और सोहन सिंह जी हमारे आर्किटेक्ट महोदय, बहुत ही बढ़िया। ये पहला सेट है बेली फैट के, 4 एक्सरसाइज करेंगे, बहुत बढ़िया सर। सेकंड एक्सरसाइज ये भी आपने 30-30 के 3 सेट लेने हैं, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। और ये थर्ड एक्सरसाइज, ये भी सेम रिपीट करनी है, 30-30 के 3 सेट लेने हैं। सोहन जी और रंजीत जी बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। फोर्थ एक्सरसाइज ये भी सेम रिपीट करनी है, 30-30 के 3 सेट, बहुत बढ़िया। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन जिसमें कपालभाति के 100-100 रिपीटेशन के हम 3 सेट लेते हैं। जो भी एक्सरसाइज करनी है आपको, शांत बैठ के आंखें बंद करके और ध्यान बाहर की तरफ ना होके अंदर की तरफ होना चाहिए। कोई भी प्राणायाम आप आंख खोलकर भी कर सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके हमारा फायदा ये होता है कि हमारा ध्यान भटकता नहीं है। इसलिए जो भी प्राणायाम प्रक्रिया करें, आंखें बंद, ध्यान अंदर की तरफ, और पूरी फीलिंग ये होनी चाहिए कि प्रभु की कृपा हम पर बनी हुई है और ऐसे ही बनी रहे। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये है अनुलोम विलोम, इसके भी 20-20 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हो, इससे हमारे फेफड़े और हार्ट दोनों ही मजबूत होते हैं, मानसिक शांति हमारी बरकरार रहती है। तो जो भी प्राणायाम की प्रक्रिया करेंगे आंखें बंद करके करेंगे, इसमें बात ये ध्यान रखनी है कि हमारी रीढ़ रजू एकदम सीधी होनी चाहिए और जो नाभि है उसके नीचे बल नहीं रहना चाहिए, एकदम सीधे बैठ के इस प्रक्रिया को करेंगे। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, ये है भ्रामरी, और जैसा कि आप जानते हो भ्रामरी में ओम का जो स्वर है वो नासिका से निकालना होता है धीरे धीरे, जिससे हमारे मस्तिष्क में कंपन होता है, हमारे न्यूरॉन सक्रिय होते हैं, जिससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है, याददाश्त अच्छी होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए यह ओम का जाप, और ओम का जाप
रोजाना अपने डेली रूटीन में अवश्य शामिल करें, क्योंकि इससे आपकी मानसिक शांति बरकरार रहती है, आपको क्रोध नहीं आता है, प्रकृति से प्रेम करने लगते हैं। जिसका भी बीपी हाई है वो अपने ओम को स्वर को धीमा रखे, और जिसका बीपी लो है वो अपने ओम को स्वर को थोड़ा तेज रखे, और जो स्वस्थ है वो अपने स्वर को तेज ही रखे। बहुत बढ़िया सर। और मित्रों, ये चलने का टाइम हो गया हमारा, 6:53 हो गए, और मैं पार्क का व्यू भी दिखा देता हूँ चलते वक्त का। आप जो ग्रीनरी है उसको देखिए, और हमारे सामने योगा क्लास चली हुई है देखो, और सुबह 4:40 एंट्री हुई थी, और 6:53 अब हमारी यहाँ से वापसी हो रही है। बहुत बढ़िया। और ये पेड़ देखिए कितने सुंदर, और सामने फाउंटेन चल रहे हैं। जय सियाराम मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है। आज है 18 जुलाई 2024। 18 जुलाई के पहले तो जो हमारा इतिहास जुड़ा है पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने विचार पर बात करेंगे। देखिए 18 जुलाई 1918 को नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था, जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ साउथ अफ्रीका में पूरा आंदोलन किया और अपनी जवानी के 28 साल जेल में गुजारे। उन्होंने एक किताब लिखी है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें उन्होंने आज़ादी के महत्व को बताने का प्रयास किया है, और आखिर में वो 1994 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। दूसरा है, जैसा कि आप जानते हो कि 3 जून 1947 को ये निश्चित हो चुका था कि भारत का बंटवारा होगा। उसी बंटवारे का जो प्रस्ताव था इंग्लैंड की संसद में पेश किया गया 4 जुलाई 1947 को, लॉर्ड सभा ने पास किया उसे 8 जुलाई 1947 को, और जो कॉमन सभा है उसने पास किया 15 जुलाई 1947 को, और 18 जुलाई 1947 को वहाँ का जो सम्राट था तत्कालीन जॉर्ज सस्टम, उसने हमारे आज़ादी के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, और एक तरह से 18 जुलाई 1947 को हमें आज़ादी मिलनी है ये सुनिश्चित हो चुका था। ये हमारा 18 जुलाई का इतिहास। और देखिए, यदि आपको सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, चिंता मुक्त रहना है, तो केवल और केवल एक काम करना है आपको, एक ही उपाय है कि अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है, चाहे बात खाने की हो, चाहे कुछ कहने की हो। यदि हमारी जुबान पर हमारा कंट्रोल है तो हम सुख शांति से और स्वस्थ रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।